अडवाणी जी ने इन चीजों को एक्सेप्ट किया। मैं समझ रहा हूँ आपका प्रश्न, ये आज की नहीं है, इसको दृश्यता समझेंगे कुछ आपके दर्शक। गांधी जी स्वयं को महात्मा गांधी कहलाना पसंद नहीं करते थे, परंतु उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा कि मुझे महात्मा मत कहो। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि हमको ये सब जातवाद में विश्वास नहीं, फिर क्यों पंडित कहने लगे स्वयं को, उन्होंने कभी नहीं रोका। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वाधीनता संग्राम में जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया, कांग्रेस के बड़े नेता, पर भारत विभाजन की कुछ स्वीकृति थी, तो क्यों उन्होंने सरदार की उपाधि मंजूर करी? ये देखिए एक प्रकार से, लेकिन अब तो कुछ लोग अपने आप को छोटा सरदार कहलाना पसंद करते हैं। मैंने सुने ये जो हमारा रिपब्लिकनिज्म है, हम अपने आप को रिपब्लिक कहते हैं, रिपब्लिक में हम सब बराबर हैं, कोई विशेष नहीं, पर लगता है ऐसा कि हम तो विशेषता पर ही जीते हैं। अच्छा जसवंत सिंह जी, ये बताइए कि अरुण शौरी जी का जो अभी इनका लेख जो आया, उसमें आपकी और उनकी उस गोवा ट्रिप की चर्चा है कि आप दोनों अडवाणी जी और वाजपेयी जी के साथ। वो दोनों का नहीं था, मेरा अन्य था, मुझे तो अटल जी ने कहा। आपको अटल जी लेके जा रहे थे साथ में? जी, हमारा कुछ बातें, कामकाज की बातें हो रही थी, तो जी ने कहा बातचीत भी हो जाएगी, कामकाज भी हो जाएगा। गुजरात के मसले पर अटल जी बातचीत हुई थी आपसे, तो जरूर ही राय मशवरा किया होगा, क्योंकि मुझे कहा कि गुजरात का क्या करना, अडवाणी जी वहीं थे, वो शायद मुंह धोने हाथ धोने गए, मुझे कहा पूछ लीजिए। अडवाणी जी से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि बवाल खड़ा हो जाएगा पार्टी में, कि उनकी राय थी, हर सदस्य को अपनी राय रखने का अधिकार है, ये हमने अटल जी को भी कह दिया। तो क्या फिर अटल जी चुप हो गए? लेकिन इतनी बड़ी बात जो कि उनको अचोट रही थी अटल जी को, काहे को आप गुजरात इतने वर्षों बाद ये हिस्ट्री का एक अहम, जी हाँ ये भी है, पड़ाव है। पड़ाव तो नहीं है, परंतु ये घटना दुर्घटना, क्योंकि ये दुर्घटना हमारे जैसे बोल सकते हैं कि हम अच्छी दुर्घटना नहीं है अपने देश। जी हाँ, चाहे गोधरा में डब्बे को जलाना, चाहे उसके बाद का जो कुछ भी, दोनों गलत है, दोनों गलत है, तो एक ही गलती को याद न करें, दोनों को नहीं, लेकिन सही है दोनों गलत है, लेकिन वाजपेयी जी ने अगर वो डिसीजन उस वक्त लिया था, नहीं लिया, खत्म हो गई बात, अब उसको बार बार उनके लिए। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आइडियोलॉजिकल लेवल पर आप और वाजपेयी जी दोनों इंक्लूसिव पॉलिटिक्स जिसे कह सकते हैं उसको बढ़ाना चाहते थे। आप लोग आज भी चाहते हैं? आज भी चाहते, लेकिन शायद आज आप अकेले पड़ गए। मैं अकेला नहीं हूँ, विचार अकेला नहीं पड़ता। क्या वाजपेयी जी भी उस वक्त अकेले पड़ गए? जी नहीं, वो हमारे सबसे बड़े नेता थे, वो अकेले नहीं पड़े थे, उनके विचारों के साथ पार्टी का की कार्यकारिणी सहमत नहीं थी। लेकिन तनाव में तो बहुत होंगे वाजपेयी जी, उन्होंने शेयर भी किया होगा आपसे कभी कुछ? हाँ, कई बार बातचीत होती थी, केवल इसी विषय पर नहीं होती थी, पर अटल जी के स्वभाव में तनाव नहीं है, न था न आज। उस दरमियान जब मोदी के साथ तनाव नहीं था, क्यों तनाव नहीं? तो अगर एक प्रधानमंत्री होकर या लीडर होकर के उनके दिमाग में ऐसा कुछ डिसीजन था कि शायद हमें कोई एक ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए इस मसले पर, अगर हमें अबब वोट दिखना है, पर उसके बाद अबब वोट तो थे उनके, वो तो थे, लेकिन आसपास ऐसा हो नहीं पाया। नहीं हो पाया तो उसका खामियाजा भी भुगता। जब आप कंधार गए, आपको किसने बोला था कि आप जाइए? कैबिनेट ने कहा। कैबिनेट? कि मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं जहाज लेकर के वहां कोई नाच गाने देखने जा रहा था। क्या अडवाणी जी ने कुछ बोला था आपको? जी मुझे नहीं कहा, कैबिनेट का निर्णय था, कैबिनेट में मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। और अडवाणी जी वहां थे? मैं कह चुका हूँ कई बार। आज आप वाजपेयी जी को बहुत मिस करते होंगे, कि शायद वो होते तो इस तरीके की बातें भारतीय या एक्टिव होते तो इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। जो वाक्य है मिस करना, पर अटल जी का स्वास्थ्य साथ नहीं देता, उनका शरीर में व्याधि है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो क्या होता, ये जीवन का एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई एक यक्ष प्रश्न की तरह है, इसका कोई उत्तर नहीं, ये नहीं होता और वो होता तो क्या होता।
नहीं, लेकिन अगर वाजपेयी जी होते तो जसवंत सिंह जी के साथ इस तरीके का बर्ताव नहीं होता। जसवंत सिंह के साथ वही होता जो उसके भाग्य में लिखा है। मेरा भाग्य कौन बनाएगा? मेरा प्रारब्ध कर्म है, मेरा पुरुषार्थ है। कौन किसको देत है, देत कर्म जख जोर, उलझत सुलझत आप ही ध्वजा पवन के जोर। तो मंदिर के शिखर पर हम ध्वजा चढ़ाते हैं, पवन का डोठा आता है, इधर से उधर उलझ जाती है, फिर आता है सुलझ जाती है। अच्छा, जब आप वाजपेयी जी से शिमला के बाद मिले इस मुद्दे मैं के स्वास्थ्य पूछते हैं उनके साथ, लेकिन आपने उन बताया तो होगा कि आपके साथ ऐसा हुआ। मैं बतौर शिकायत करने नहीं गया था, गणेश चतुर्थी का पर्व था, उनसे प्रणाम करने गया था, तबीयत की खुशी पूछने गया था, उनका आशीर्वाद लेने। मैं कुछ शिकायत करने थोड़ी गया था। नहीं, लेकिन उनको भी पता तो है ही था, क्योंकि टेलीविजन वो भी वो होगा जरूर, पर मैंने इसकी न चर्चा की न प्रश्न पूछा। आप पार्टी से निकाले जाने के बाद उनका आशीर्वाद लेने गए थे? ये तो व्यक्तिगत मामला है, ये थोड़ी इसलिए थोड़ी गया कि साहब उन्होंने मुझे निकाल दिया आशीर्वाद तो निकालने पर। अच्छा जसवंत सिंह जी, ये बताइए कि आपकी किताब की चर्चा पाकिस्तान में बहुत है। यह है, और आप तो कब जाने का आपका विचार है? अभी तो मेरा विचार नहीं है, मेरी पुस्तक को बैन भी किया गया है। जी, मेरी बहुत आपत्ति है कि मेरी किताब को बैन किया गया। मैं सोचता हूँ ये आपत्ति आपको भी होनी चाहिए। आज तो मेरी किताब को बैन किया है, कल आपके टीवी स्टेशन बैन हो जाएंगे, और अगर हम उस रास्ते पर बिना किसी विरोध के जाएंगे तो भारत के लिए एक किस्म से वह एक अंधेरी गली है जिसमें न मालूम हम कहां पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी मेरी पुस्तक के बैनिंग के बारे में गुजरात में कहा, क्यों? चुनावी पलड़ा भारी है या सत्य का पलड़ा भारी? बिना किताब पढ़े हुए विरोध तो मेरा है ही, सिद्धांत है। लेकिन आप क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? ये वकीलों की बात है, आने दीजिए। आगे क्या है? क्या आप अपनी किताबों के साथ रहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, क्या? मैं पार्लियामेंट का सदस्य हूँ, दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, वह मेरी कर्मभूमि है। एक रेगिस्तान के गांव में जन्मा, वह मेरी जन्मभूमि है। दोनों जगह मुझे काम करना है, यथा योग्य जैसी ईश्वर योग्यता देगा उसके अनुसार करूंगा। पार्लियामेंट में काम करूंगा, बाहर काम करूंगा, ईश्वर हर कदम पर सहायक होगा ऐसा मैं सोचता हूं। तो ये थे जसवंत सिंह जी, अगले हफ्ते किसी नई पर्सनालिटी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।